हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी है सुबह का समय, तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी मैगी। मतलब बच्चे लोग सबके घर में है ना, इसलिए उन लोगों का मन किया है कि मैगी खाने का। और शाम के वक्त अगर बनाओ तो फिर उन लोग रात का खाना नहीं खाते हैं और दूध दूध कुछ नहीं पीते हैं। तो मैं, चलो आज तो घर पर हो सबको, इसलिए मैं आज सुबह सुबह उन लोग के लिए मैगी बना दे रही हूँ। और तब से मैं सोच रही हूँ कुछ मतलब शूट करने का, लेकिन मेरे घर में इतना हल्ला होता है कि मैं क्या कहूँ। सो अभी मैंने थोड़ा साउंड करा है, अब म्यूट करके तो वीडियो स्टार्ट करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं अभी नई नई हूँ, कोई पुरानी यूट्यूबर नहीं हूँ जो म्यूट करके मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। मुझे मन करता है कि आप लोग से बातचीत करके मैं अपने वीडियो का शुरुआत करूँ, इसलिए मैं तब से वेट कर रही थी। और चलिए बनाते हैं अपना नाश्ता। पापा का फोन आ गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा बन किया है। और थोड़ा सा मैं ओट्स बनाने जा रही हूँ, सिंपल सा ही बनाऊंगी ओट्स। तो मैं दिखाऊंगी कि आप लोगों को मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसमें मैंने ओट्स लिया है और इसमें इसमें पानी डालूंगी। ये सुबह सुबह अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहे तो एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, सिंपल सी है लेकिन खाने में अच्छा ही लगता है। आप चाहे तो प्याज वाज के साथ भी बना सकते हैं, तो मैगी तो मैं प्याज वाज से ही बनाऊँगी, इसलिए ओट्स इनके लिए और थोड़ा अपने लिए मैं सिंपल से बना रही हूँ। तो ओट्स ली हूँ, उसमें मैंने पानी डाला है और उसमें हल्का सा नमक डालेंगे और इसको हम अच्छे से धीमी आंच में पका लेंगे। 3-4 मिनट में ये हमारा ओट्स बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे ये ओट्स उबल रही है, इसको ऐसे ही हम लोग 2-3 मिनट पका लेंगे उबाल उबाल के। और इसको हिलाते रहेंगे, नीचे नीचे से चिपक जाएगा। और इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है, पर सुबह सुबह अगर आपको अच्छा ना लग रहा हो, कभी आपका तबीयत ख़राब हो, तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप दूध के साथ भी बना सकते हो चीनी लेके, लेकिन पानी के साथ मैं बना रही हूँ क्योंकि कभी कभी हमारे पेट में कुछ उल्टा फुल्टा गड़बड़ हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है ओट्स खाने का, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने का। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ओट्स बन गया है, झटपट सा एक हेल्दी नाश्ता हो गया है तैयार। ओके, और अब मैं बनाऊंगी मैगी। सो फ्रेंड्स देखिए, हमारा तेल हो गई है गरम। आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हो, घी में भी बना सकते हो। तो बटर तो मेरे पास नहीं है और घी मेरा छोटा बच्चा नहीं खाता है, इस वजह से मैं तेल में बना रही हूँ। और मैं इसमें दूंगी ये प्याज, कटी प्याज, हरी मिर्च, इसको हम लोग भून लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी प्याज भून गई है, अभी मैं ये डालूंगी आलू। और आप लोग बोलेंगे मैगी में आलू कौन डालता है, तो हम लोग डाल देते हैं, अच्छा लगता है। आप चाहे तो पत्ता गोभी, फूल गोभी कुछ भी दे सकते हो, अच्छा लगता है ऐसे मैगी में स्वाद अच्छा लगता है। और प्याज के साथ ये आलू को मैं थोड़ा सा भून लूँगी और उसमें फिर ये कटे हुए टमाटर डालूंगी। आप चाहे शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, तो बच्चे तो सब खाते नहीं हैं, ये प्याज टमाटर भी खा रहे, वो बहुत बड़ा है। मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, तो पका लेंगे अच्छे से। और डाल लेंगे इसमें नमक, नमक सब्जी के लिए डालेंगे क्योंकि मैगी मसाला में तो नमक रहता है ऑलरेडी। और थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे, अच्छा लगेगा, कलर अच्छा आएगा। उसको हम लोग चला देंगे और उसको पकने देंगे। प्याज टमाटर गलते गलते हमारी आलू जो है पक जाएगी, क्योंकि मैंने आलू को बहुत बारीक बारीक काटा था। फ्रेंड्स देखिए, हमारी सब्जी अच्छे से गल गई है। बीच में मैंने एक दो बार इसे चेक किया था, देखिए पूरी गल गई है सब्जी, टमाटर आलू वगैरह।
और इसमें हम ये मैगी डाल देंगे। मैंने यहाँ 3 बड़े पैकेट की मैगी ली है 10 रुपये वाले। और आप बोलेंगे डायरेक्ट मैगी, तो मैं डायरेक्ट इसमें पानी दे दूँगी। ना मैंने मैगी को बॉईल किया है, ना पहले ही इसे पानी को बॉईल किया है, ये अपने आप ही पक जाएगी। और सच मानिए बहुत यम्मी बनती है, आप लोग भी कभी बना के ट्राई करिएगा। वैसे आप लोग तो बनाते ही होंगे, लेकिन सबका तरीका अपना अलग रहता है। और इसमें हम डाल देंगे मैगी के मसाले, आप इसको ढक देंगे अपने पक जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी मैगी बन के हो गई है रेडी, एकदम कलरफुल बनी है। देखो इसको हम बंद कर देंगे आँच को, इसी बीच में मैंने जाके दूसरे रूम का बेड वेड भी सही किया है, क्योंकि सुबह सुबह अगर एक ही काम में लगे रहो तो फिर नहीं होता है। और थोड़ा सा ये पानी पानी है, थोड़ा देर में सूख जाएगा। आइए आप लोग भी खा लीजिए, ये सुबह सुबह का आज मसालेदार नाश्ता है। बच्चों का छुट्टी है इसलिए वजह से मैंने बनाया है, नहीं तो फिर भूख लग जाएगी ना, स्कूल जाएगा तो अगर मैगी खा के जाने से। और छोटा बच्चा बाबू तो भी सोया है क्योंकि स्कूल बंद है ना, इस वजह से। और अब मैं उसको उठाऊंगी, और इसी बीच में मैंने जाके तो दूसरे रूम का बिछना उठना सेट किया है। अब बड़ा वाला बाबू तो बाथरूम में है, और मैं जा रही हूँ इनको अब ब्रेकफास्ट देने, चाय देने, और उसके बाद मैं अपना आगे का काम शुरू करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ रही हूँ, आई हूँ किचन की डीप क्लीनिंग करने। जिस दिन मैं आई थी उस दिन ऊपर ऊपर से क्लीनिंग कर दिया था, तो आज सोची चलो अंदर से मैं इसको सफ़ा कर दूँ, क्योंकि थोड़े ना कॉकरोच हो गए थे, ये सब में तो नहीं हुआ था, और जैसे अगल बगल में। और कुछ दिन पहले ही मैंने पूरी अच्छे से सारे बर्तन को निकाल के अच्छे से धोया था, अच्छे से सब सुखा के सेट किया था, इसलिए मैं सिर्फ अभी कैबिनेट के सारे बर्तन निकाल के उसको अच्छे से पोंछ दिया है कोनिन से, और फिर सब बर्तन को सजा दी हूँ, क्योंकि बर्तन तो यूज होते रहते हैं। इसी तरह से मैं सब कैबिनेट को सफ़ा कर दूँगी, पोंछ दूँगी। कैबिनेट में मैं आटा चावल रखती हूँ, तो इसी में ज़्यादा कॉकरोच हुई है, इसलिए मैं सारे डब्बों को निकाल के उसको अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। और उसको बाद फिर मैं उसमें स्प्रे कर दूँगी मोर्टिन का कॉकरोच वाला स्प्रे, और कुछ देर इसको खुला ही रखूँगी ताकि उसकी जो स्मेल है चली जाए। और इसी में ज़्यादा कॉकरोच हुआ था, इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से खाली करके अच्छे से सफ़ा कर दे रही हूँ।
काम करके तब मैं अब आई हूँ गीला काम करने, सबको अच्छे से सेट वेट करके क्योंकि उनको अच्छे से झाड़ दिया है मैंने, और अब बाल को मैं पोंछ रही हूँ। तो थोड़ा सा कपड़ा में मेरा साबुन लगा के तब मैं बाल को थोड़ा पोंछ रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, और अच्छे से उसको फिर धो के फिर क्लीन कर दिया है सारे वाल्स को, मेरा टाइल्स को। और मैं ये रेक भी खाली कर रही हूँ, ये रेक पे का जो भी तेल का बर्तन था, जो भी डब्बा कल मैंने धोया था जो खाली हो गई थी, और ये सबको मैं निकाल के इस सबको भी धो दूँगी, क्योंकि थोड़ी कैसी धूल धूल हुई है उस दिन, तो सिर्फ मैंने पोंछ के रख दिया था। इसको सबको मैं अब धो दूँगी यहीं पे, और पहले मैं सूखे काम कर ली हूँ, फिर अब मैं पानी वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं अब बर्तन धोऊँगी और पोछा लगा के डायरेक्ट नहाने जाऊँगी। और मिलती हूँ आप लोग से। फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ नहा के, और मैंने पूरे आज किचन का अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है, क्योंकि ऊपर ऊपर से सफाई की थी, अंदर से नहीं हुआ था, और इस वजह से बहुत मैला हो गया था। और कॉकरोच का तो मत पूछो, कॉकरोच ने पूरा तबाही मचा दी थी पूरी किचन में। इसलिए मैंने चलो आज किचन की भी सफाई कर ली जाए, डीप क्लीनिंग कर ली जाए। मतलब मैंने तो पूरा अच्छे से नहीं दिखाया, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने आज किचन की क्लीनिंग करी है। और मैं अब आई हूँ नहा वहाँ के, फिर चलो थोड़ा सा आप लोग से बात कर लिया जाए, और वही अपना डेली वाला मेकअप। मेकअप क्या, चेहरे में अगर कुछ ना लगाओ तो फिर चेहरा ड्राई हो जाता है, इस वजह से मैं चलो हल्का फुल्का क्रीम में लगा लेती हूँ। और फिर सिंदूर तो लगाना ही है, एक सुहाना शादी वादी हो जाने के बाद खाने से पहले सिंदूर लगाना ही पड़ता है। बिंदी में लगा लेती हूँ, और मेरी छोटी छोटी बिंदी जो है ख़त्म हो रखी है, इसलिए मैं अभी बड़ी वाली बिंदी लगा रही हूँ। ये तो मैं छोटी छोटी लगाती हूँ, और सफाई फाई की, और मैं सफाई फाई की और लिपस्टिक में प्राय नहीं लगाती हूँ, लेकिन जब से वीडियो वीडियो बनाती हूँ तो हल्का फुल्का कभी कभी लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाने के समय हल्का सा लिपस्टिक लगाने का। और कितना भी अच्छा लिपस्टिक लगाएं टिकता है नहीं, चाहे वो लोटस हो या लैक्मी हो या कुछ भी हो, पेट में चला ही जाता है। तो मैंने ये लैक्मी का लिपस्टिक लगाया है अभी, लेकिन फिर भी ये नहीं रहेगा, देखिएगा चला ही जाएगा। सब कोई कहते हैं कि मत अच्छा ब्रांड का लगाओ, लेकिन मैं कितने भी अच्छे ब्रांड का लगाती हूँ पर वो मेरे मुझसे रहता ही नहीं है लिपस्टिक, पता नहीं क्यों। और ना नेल पुलिस रहता है, किसी किसी को तो देखती हूँ कि सब तो भर नेल पुलिस रहते हैं, तो कितना भी खा पी ले उन लोगों का लिपस्टिक रहता ही है, पर मेरा तो नहीं। मैं जरा सा थोड़ा एक पानी भी पीऊँगी बस मेरा लिपस्टिक जो चला जाता है। और मिलती हूँ अभी आप लोग से। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ भगवान जी को प्रणाम वनाम करके अपना, और मैं यहाँ कर रही हूँ मैगी गर्म, क्योंकि मैगी हो गई है ठंडी। और मैं नहाने से पहले मुझे अच्छा नहीं लगता है, खाने का मन ही नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बिंदी मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, और मैं आज किचन को एकदम डीप क्लीन कर रही हूँ बाल वाल को एकदम अच्छे से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर अगर सफ़ा रहे तो खुद को भी बहुत अच्छा सा फील होता है। तब रेक वगैरह को मैंने सफ़ा किया था अच्छे से, मतलब महीने में अगर एक बार कर दिया जाए तो अच्छा रहता है। और उसको मैंने उसमें कॉकरोच मारने वाली दवाई दी रखी थी उसको, इसलिए मैंने खोल के रखा था, जब पूरा केस मेन चला गया है तब सारे डब्बे धो के मैंने पोंछ के उसको अंदर रख दिया है। और अब मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने, मैं मैगी को गर्म कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि ठंडी अच्छी नहीं लगेगी ना, इसलिए
ये सबको भी मैंने धो दिया है और यहीं पे सुखा दिया है, क्योंकि पंखा चल रही है, चलती है, अभी गर्मी का मौसम है तो पंखा चला दो पोछा वोछा लगा के तो सूखी जाती है। ठंड के मौसम में प्रॉब्लम होता है, धूप में रखना पड़ता है, और अभी तो गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा पैसे सूखी जा रहा है घर के अंदर ही। और किचन को भी मैंने अच्छे से नीचे का साबुन लगा के कपड़ों से मैं अच्छे से पोछा लगाया है, क्योंकि जब खाना बनाते तो उसका छिटका पड़ने से पूरा फर्श भी कैसा कैसा हो जाता है इसलिए। और मैं अब जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, फिर जाकर कपड़े ढालूँगी, क्योंकि किचन उचन सफाई करके झाड़ू पोछा किया, बर्तन सफा करके कपड़े उपड़े धो के मैं नहा के आई हूँ उधर, और सब अपना पूजा वूजा प्रणाम वणाम किया भगवान जी को, और मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। सो फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ, क्योंकि उस समय तो मैंने पूछा था पर मैंने तो नहीं खाया था, अभी मेरे साथ आइए आप लोग भी खा लीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो में मोबाइल में उतनी कैपेसिटी भी नहीं है और वाईफाई भी नहीं है, अगर 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाती हूँ तो ठीक रहता है, तो बहुत सा लंबा वीडियो बनने से अपलोड करने में सारा दिन लग जाता है। जैसे मैं अगर 9 बजे या 10 बजे भी अपलोड करती हूँ, 15-16 मिनट का वीडियो हो तो शाम 6-7 बज जाते हैं उसको अपलोड होने में, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ, वरना मैं सारा दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तब तो आप लोगों का पता चलेगा कि क्या है नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, कोशिश करके भी मुझसे नहीं हो रहा है, और बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो कायम कर रही हूँ और कोशिश करूँगी आगे जाके अगर मैं सक्सेस हुई लाइफ में तो आप लोगों के साथ भी अच्छे से रूटीन शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बस बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आज तक आज के लिए इतना ही, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।